गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IITs के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमें IITs में एडमिशन लेना होता है तो हमें JEE मेन और JEE एडवांस एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके अलावा भी उनके मन में एक सवाल रहता है कि क्या हमारा IIT में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है जैसा बाकी अदर कॉलेजेस में होता है। कुछ मैनेजमेंट की सीटें अवेलेबल होती हैं सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसी तरीके से क्या IITs में भी ऐसा होता है, कुछ मैनेजमेंट की सीटें होती हैं, या फिर हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो गाइस इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बीटेक करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट है वो बीटेक करना चाहता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा नाम एक ही आता है, या फिर अगर उसे बोला जाए कि आप कौन से कॉलेज से करना चाहोगे तो वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देगा कि मुझे IIT से बीटेक करना है। ठीक है, तो ये सबके दिमाग में होता है और ये बताने वाली कोई बात नहीं थी। आपसे भी अगर पूछा जाए अभी कि आप कौन से कॉलेज से आप बीटेक करना चाहोगे तो आप भी सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम लोगे जो है IIT। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका IIT में कैसे कैसे जा सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको किसी भी IIT में जाना है तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन लेके जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते। तो ये काफी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर होता है। तो गाइस हम एक पहले नॉर्मल वे देखते हैं। तो गाइस नॉर्मल वे तो ये है कि हमें पहले अपना बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना होता है, उसमें मिनिमम 75% लाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं अपना JEE मेन का एग्जाम। तो JEE मेन और JEE एडवांस एग्जाम देने के बाद ही हमें IIT मिल पाता है। लेकिन JEE मेन और JEE एडवांस की भाई कोचिंग लेना, मतलब इसके लिए पढ़ना, इसकी प्रिपरेशन करना, यही अपने आप में बहुत ही एक बड़ा बर्डन है। और काफ़ी बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी उनका IIT नहीं निकल पाता है, मतलब फिर भी वो IIT में नहीं पहुंच पाते या किसी NIT में भी नहीं पहुंच पाते। तो अगर गाइस आप अगर JEE मेन देके या फिर JEE एडवांस देके आपका किसी NIT या IIT में नहीं हुआ, तो आप ये सोचते हो कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से जाने से अच्छा IIT में क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन ले पाऊँगा, या कोई और वे है जिस तरीके से मैं IIT में एडमिशन ले लूँ। तो गाइस IIT के अंदर में अगर आपको बीटेक करना है तो आपको JEE की प्रिपरेशन करनी ही होगी। ठीक है ना, अगर IIT कॉलेज में अगर आपको बीटेक करना है तो आपको किसी भी हालत में JEE की प्रिपरेशन करनी होगी, JEE का एग्ज़ाम देना होगा, उसे क्रैक करना होगा, तभी आप वहाँ पर जा पाओगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। आप समझ गए होगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। पूरा अच्छे से क्लियर बताता हूँ, अगर आपको IITs में जाना है तो आपको उन भीड़ में से अलग होना पड़ेगा। ठीक है ना, वो जो भीड़ होती है एक, उस भीड़ में से अलग आपको दिखना पड़ेगा। अगर आप उस भीड़ से अलग दिख पाओगे तभी आप IITs के अंदर एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि IIT में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो गाइस नहीं, IITs के अंदर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, क्योंकि IITs एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है हमारे इंडिया का, मतलब इस जैसा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है ना, IITs ही सबसे इंजीनियरिंग के मामले में IIT से बेटर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया के अंदर। हमारी जितनी भी IITs है वो बेस्ट हैं इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है ना, और NITs भी। अगर आप IITs में एडमिशन लेना चाहते हो, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको JEE की प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी। ना तो आप IIT मतलब डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ना किसी सोर्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे कोई सोर्स भी नहीं चलता। जैसा कि हम जानते हैं किसी बड़े बड़े कॉलेजेस में हम अगर हमारे पास बढ़िया सोर्स है, कोई मतलब कोई जान पहचान है, तो वो एडमिशन करवा देता है। लेकिन अगर आपके कुछ भी जान पहचान है या इवन आप कुछ भी हो, ठीक है ना, तब भी आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता जब तक आपने JEE मेन और JEE एडवांस का एग्जाम ना दिया हो और एक अच्छी रैंक ना सिक्योर की हो। अच्छी रैंक का मतलब है कि आपने उनका कट ऑफ क्लियर ना किया हो उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप उतना कर लेते हो तभी आप IITs के अंदर एडमिशन ले पाओगे। और IIT के अंदर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, ना मैनेजमेंट की सीटें होती हैं। आप अगर 1 करोड़ रुपये भी दोगे उसे तब भी वो आपका एडमिशन नहीं देगा। ठीक है ना, तो अगर आपको IIT में जाना है तो JEE मेन JEE एडवांस की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, उन्हें क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका IIT में एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये लास्ट एंड ओनली वे है IITs में एडमिशन लेने का। ठीक है गाइस, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर ये बात आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी आपके दिल में हो वो नीचे ज़रूर बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।